स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों। संजय गांधी वार्ड क्रमांक 41 में अस्त व्यस्त जल वितरण को लेकर पार्षद कलीम खान ने अनिश्चित भूख हड़ताल कर दी है। उनका कहना है कि संजय गांधी वार्ड क्रमांक 41 में पानी की टंकी को चालू हुए लगभग 6 माह पूर्व हो चुके हैं, परंतु आज दिनांक तक वार्ड की जनता को केवल एक टाइम ही पानी मिल रहा है एवं जल वितरण की लाइनों का कार्य 40% शेष है। 100 से अधिक लोगों ने नए नल कनेक्शन की आवेदन कर दिए हैं, लेकिन उनके कनेक्शन नहीं किया जा रहे हैं। 12 इंची लाइन में भी एक वाल्व लगना शेष है। इन सभी समस्याओं के निराकरण को लेकर पार्षद मोहम्मद कलीम खान द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की गई है। इस कार्यक्रम में पार्षद नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, उप नेता प्रतिपक्ष गुड्डू नबी, पार्षद अयोध्या तिवारी, पार्षद वकील अंसारी, पार्षद याकूब अंसारी, पार्षद संतोष दुबे पंडा, पार्षद अनुपम जैन, पार्षद अख्तर अंसारी, ब्लॉक अध्यक्ष आजम अली खान एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हाजी असलम खान, आरिफ हसन सिद्दीकी, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद आजाद, गुलशेर अहमद शेरा, मोहम्मद आसिफ एवं सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित हुए। संवाददाता कदीर अंसारी। और गरीब जनता का हक जो पानी का है उसे दे, और अगर जल्द से जल्द से नहीं सुना जाता तो नगर निगम के अंदर और सदन के माध्यम से भी आपकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। दोस्तों भाइयों, आज हमारे साथी लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस बच्चे की मदद करने के लिए। ये हमारा देखो कितना खुशकरीम हमारे बीच भूख हड़ताल पर बैठा है और ये नगर निगम के निकम्मे प्रशासन को शर्म नहीं आती। अरे बेशर्मो, काम करो और लोगों को पानी दो, आपकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अगर NID के लोग यहाँ मौजूद हो वो भी सुन ले। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मां नर्मदा की गोद में बसा ये जबलपुर शहर है जो पानी के लिए पूरे प्रदेश ही नहीं देश में भी जाना चाहता है कि यहाँ की जनता का कंठ कभी नहीं सूखता, गला हमेशा नर्मदा जल के मीठे जल से भरा रहता है। वाहरी जबलपुर की निकम्मी सरकार, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नो, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर शर्म लिहाज है तो इस बात को गंभीरता से सुनिए। ये कांग्रेस पार्षद दल बैठा हुआ है और सिर्फ विरोध के लिए विरोध दर्ज नहीं करा रहा है, यहाँ की जनता की मूलभूत आवश्यकता है पानी, यहाँ की जनता की नितांत आवश्यक मांग है पानी। माँ बहन बच्चे बड़े बुजुर्ग युवा इतने समय से पानी के लिए हाय तौबा किए पड़े हैं और वारे इंसान तुम्हारी तो कुंभकर्ण की निंद्रा से तुम उठ ही नहीं पा रहे हो। यकीनन तौर पर एक बड़ा सवालिया निशान है इस जबलपुर शहर के महापौर के ऊपर, इस जबलपुर शहर की कमिश्नर के ऊपर, इस जबलपुर शहर की भ्रष्ट मेयर इन काउंसिल सदस्यगण की संख्या को लेकर कि आप बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो। अमृत योजना के नाम पर 1200 करोड़ का डंका पीट रहे हो, अमृत योजना के नाम पर पूरे जबलपुर शहर में टंकियों की भरमार बताने का प्रयास कर रहे हो, अमृत योजना के नाम पर जबलपुर की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो। आपको लिहाज थोड़ा बहुत भी अगर बाकी है तो यहाँ की जनता संजय गांधी वार्ड की, संजय गांधी वार्ड का एक जीवंत पार्षद, पूरा कांग्रेस पार्षद दल आपसे मांग कर रहा है। और मैं तो कलीम भाई के साथ अपनी और एक लाइन आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि आप इनसे एक ठोस आश्वासन लीजिए, उस ठोस आश्वासन में अगर इस समय सीमा मुकर्रर नहीं करते हैं तो हम आप चले पाओ कांग्रेस पार्षद दल और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो जल का अधीक्षण यंत्री है माननीय कमलेश श्रीवास्तव जी, उनके घर की जाके पाइपलाइन काटें अपन जो उनका घर का कनेक्शन है, तब एहसास होगा कि पानी की कमी क्या होती है। ये मूर्ख बनाना बंद करिए महापौर जी, 2 साल आपने मूर्ख बना लिया है ना, अब आपको दूध का दूध और पानी का पानी ये कांग्रेस पार्षद दल करके दिखाएगा। संजय गांधी वार्ड की जनता पानी चाहती है, वो पानी की मांग हमारी पूरी हो फिर आगे आने वाला जो संघर्ष है, जो हमारी ईंट से ईंट बजाने का जो प्रयास रहेगा उसमें आप हमारे तले घुटनों के बल आओगे, इस बात के लिए तैयार रहना। हमारे वार्ड में ये जो टंकी वर्ल्ड कप के नमूने के तौर पर खड़ी हुई है, आप देख रहे हैं, बड़ी मशक्क़त के बाद 6-7 साल में तो उसका निर्माण हुआ। उसके बाद
अनेकों धरना प्रदर्शन के बाद उसको चालू कर किया गया। स्थिति ये है कि ये टंकी 6 मीटर दोनों टाइम भरना चाहिए, 6 मीटर सुबह और 6 मीटर शाम को, लेकिन सिर्फ ये एक टाइम भरा जाता है, वो भी 2 से 2.5 मीटर पानी दिया जाता है। हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है, भीषण जल संकट है, लाइनें अभी 40% नहीं बिछी। इसके लिए मैं रेगुलर पिछले 8 महीने से माननीय आयुक्त महोदय जी को, माननीय महापौर जी को लेटर के माध्यम से जा करके उनको बता रहा था कि बहुत ज़्यादा समस्या है पानी की, और कम से कम इस टंकी को आप इतना तो भरें कि दोनों टाइम हमारे क्षेत्र की जनता को पानी मिल सके। तो माननीय आयुक्त महोदय जी का कहना है कि मेरे पास अभी साधन नहीं है, मैं 1.5 साल अभी आपको पानी नहीं दे सकती। तो जब आप 1.5 साल पानी नहीं दे सकते तो फिर टंकी बनाने का क्या औचित्य है? लाइनें आप बिछा नहीं रहे हैं, ये टंकी के जितना ये क्षेत्र दिख रहा है टंकी के आजू बाजू, यहाँ कहीं भी लाइनें नहीं डाली गई। टंकी के पास एक वो जो कहावत हुआ करती थी कि चिराग तले अंधेरा, आज वो सामने आप देख लीजिए कि टंकी के जितने बाजू में घर हैं इनके यहाँ किसी के यहाँ नल कनेक्शन नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इन्होंने नहीं डाली है यहाँ पर। इन सब बातों को लेकर मैं बार बार जब अवगत करा रहा और जब मेरी बात नहीं सुनी जा रही तो मेरे पास क्या रास्ता है? जनता चूँकि पार्षद से सीधी जुड़ी हुई होती है, सीधे सवाल जनता के पार्षद से होते हैं कि आप हमको पानी क्यों नहीं दे रहे, लाइन क्यों नहीं डलवा पा रहे, और जब हमारी बात प्रशासन नहीं सुन रहा तो आज मैंने ये कदम उठाया कि मैं भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूँ। अब आपकी इच्छा कि आप हमारे क्षेत्र को पानी दें या ना दें, आगे जो भी हानि होगी, जो भी चीज़ें होंगी, इसमें निगम प्रशासन जिम्मेदार होगा। अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी नहीं मानी जाएंगी, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक भूख हड़ताल रहेगी।